शिजा के हाथ पैर ये सुनकर ठंडे पड़ गए थे कि काली चुड़ैलों ने एक पूरे के पूरे गांव का सफाया कर दिया है। वे इतने शक्तिशाली कैसे हैं? मृत्यु से चुड़ैलों को क्या मिलता है? संसाधनों का उपयोग तो और अन्य रूपों में किया जा सकता है। सच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन शक्ति की जगह ले सके, खासकर जब यह एक बड़ा समूह हो जो भोला या कई रूपों में शुद्ध हो। क्षमा करें मालिक शार्दुल, लेकिन क्या केवल मनुष्य ही ऐसे हैं? दुर्भाग्य से हाँ, मनुष्यों को मूर्ख बनाना आसान है। क्या तुमको वो मृत शरीर याद है जिसे तुमने परिसर में देखा था? जी हाँ। कुछ साल पहले कुछ चुड़ैलों को पकड़ा गया था ताकि उन्हें परिषद में लाया जा सके, ये फैसला करने के लिए कि उन चुड़ैलों का सस्खीर करना क्या है। एक बैठक आयोजित की जानी थी। अफसोस की बात है कि वे बैठक से पहले ही भाग निकले। क्या वे ही ये सारी परेशानी पैदा कर रहे हैं? उनमें से सिर्फ एक। दूसरी काली चुड़ैलों को मार दिया गया था, लेकिन एक बच गई और अब वो श्यामला और आसपास प्रदेशों में हंगामा करने पर आमादा है। उसका संकेत देते कुछ चिन्ह मिले हैं। एक चुड़ैल के निशान? हाँ, लेकिन कोई भी काली या सफेद चुड़ैल कभी भी भगवान या किसी देवी जैसी शक्तिशाली नहीं हो सकती है। आज तक कोई भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है, और अगर कोई ऐसी चुड़ैल थी जो बेहद शक्तिशाली मानी जा सकती थी तो वो मेरे चचेरे भाई अरमान की मां अमोलिका शाह थी। शिजा इस खबर से थोड़ी चकित हो गई। अरमान शाह की मां एक चुड़ैल थी? वो एक बहुत दयालु महिला थी जिसे इंसानों की नफरत और क्रोध ने मार दिया था। अगर वो अभी भी जीवित होती तो तुम्हारे पिता कौन थे इस संबंध में तुम्हारी मदद करती और तुम्हारे लिए जवाब और सहायता प्राप्त करना आसान हो जाता। लेकिन उनके जाने के बाद तुम्हारे पास सबसे अच्छा विकल्प बुशरा ही है। जैसे जैसे रात बीतती गई, शिजा ने देखा कि शार्दुल अपनी पिछली स्थिति से नहीं हिला था, यानी जैसे एक बार बिस्तर पर लेटा था वैसे ही अब भी लेटा हुआ था। उसने जूते अब भी पहने हुए थे जो उसके पैरों के साथ बिस्तर के किनारे से नीचे लटक रहे थे। शार्दुल को परेशान किए बिना शिजा उसके जूते उतारने लगी। जूते हटाकर उसने शार्दुल के पहने हुए मोजे भी उतार दिए। ये काम खत्म करके वो खड़ी हुई तो देखा कि शार्दुल ऊपर आईने की ओर देख रहा था। वो सोचने लगी कि वो क्या सोच रहा है। ये शार्दुल का सामान्य व्यवहार नहीं था। उसे ऐसे विचारों में खोए देखना अपने आप में एक दुर्लभ दृश्य था। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था इसके बारे में शिजा ने केवल सुना था, सो वो कल्पना के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मालिक? क्या आपने अपना रात का खाना खा लिया? शार्दुल मुस्कुराया और फिर उसने शिजा को बताया कि उसने रास्ते में खाना खा लिया था। फिर उसने शिजा से पूछा कि उसने खाना खाया था या नहीं। जी मालिक, मैंने खा लिया था। ठीक है, अवंतिका के साथ आपकी कक्षाएं कैसी चल रही हैं? अवंतिका का नाम आते ही शिजा का ध्यान उन सवालों पर वापस चला गया जो अवंतिका ने उस वक्त पूछे थे जब शिजा उसके कमरे से बाहर निकलने वाली थी। शार्दुल जो एक चतुर व्यक्ति था, शिजा की खामोशी देखकर समझ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, अवंतिका ने कुछ किया? नहीं। शिजा ने जल्दबाजी से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ शार्दुल शाह साहब? शिजा की इस जल्दबाजी ने मामले को शार्दुल के लिए संदिग्ध बना दिया। उसने इशारे से शिजा को सवाल पूछने की इजाजत दी। आपने मुझे ये जो पारिवारिक चिन्ह दिया है, ये आपने अवंतिका मालकिन को क्यों नहीं दिया? शिजा सोच रही थी कि अवंतिका दिवंगत महिला की बेटी थी जिनका ये लॉकेट था, जबकि शिजा तो सिर्फ एक गुलाम थी। शार्दुल जो बिस्तर पर लेटा हुआ था उसने खुद को ऊपर धकेल दिया। उसने उस चिमनी की ओर देखा जो चारों ओर से लकड़ियों और आग के साथ चटक रही थी। वो बोला, हमारी पवित्र दुनिया में दो साथी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और जब एक की मृत्यु होती है तब उनके बीच चाहे कोई बंधन हो या ना हो, लेकिन ये बात दूसरे साथी को प्रभावित करती है। जब मेरी मां का निधन हो गया
तो मेरे पिता ने इस घर की हर उस आखिरी वस्तु को फेंक देने का फैसला किया जो उन्हें उनकी प्यारी मृत पत्नी की याद दिलाती थी। मेरी बहन ने इसके लिए लड़ने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन मैंने ऐसा किया और सब सामान उठाकर परछत्ती में ले गया। अगर आप किसी चीज के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप उसे छूने, देखने या याद रखने के लायक भी नहीं है। अवंतिका यह बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो परिवार की विरासत पहनती है तो उसे केवल मजाक के शब्द मिलेंगे। ये मां की थी और वो इसे संभाल नहीं पाई थी। ये जानते हुए वो इसे ना तो पहन सकेगी और ना ही वो इसे संभाल नहीं पाएगी। ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। शार्दुल की गहरी लाल आंखें सामने जल रही आग की तपिश से चमक रही थी। शिजा को पता था कि शार्दुल इस बात के बारे में शिजा के कुछ कहने को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शिजा एक गुलाम थी और मालिक से सवाल जवाब करने की उसकी स्थिति नहीं थी। लेकिन शार्दुल ने उसे बोलने की आजादी दी थी, उससे रहा नहीं गया। वो फिर से बोली, मालिक, आप अवंतिका मालकिन से बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। वो छोटी थी, बच्चे किसी से जुड़ने में बहुत समय लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे दर्द से निपटने के लिए दर्द की याद दिलाने वाली चीजों, जगहों से दूर हो जाना चुनते हैं, क्योंकि ये उन्हें आसान लगता है। हो सकता है, लेकिन क्या तुम ऐसे ही फेंक दोगी जो तुम्हारी माँ के लिए महत्वपूर्ण था या जिसे वो पसंद करती थी? शिजा समझ गई कि अवंतिका पर उसका गुस्सा अपनी माँ के प्रति उसकी भावनाओं से उपजा था। वो शार्दुल के सवाल के बारे में सोचने लगी। वो सोच रही थी कि अगर जिंदगी उसे मौका देती तो वो अपनी माँ की हर छोटी से छोटी वस्तु को बचा लेती, लेकिन परिस्थितियां उसके लिए कठिन थी। उसे अमीरों की तरह कोई विशेषाधिकार नहीं मिला था। अफसोस की बात है कि शिजा के मामले में उसे सब कुछ देना और बेचना पड़ा। शार्दुल मुस्कुराया और फिर शिजा से बोला, अवंतिका इतनी समझदार है कि वो तुमसे सीधे कभी नहीं पूछेगी कि तुमने ये लॉकेट क्यों पहना है। ज्यादा से ज्यादा वो इसे घूर सकती है, लेकिन छूने की भूल कभी नहीं। खैर, मैंने एक सप्ताह पहले अरमान को एक पत्र भेजा था ये पूछने के लिए कि क्या वो तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पता कर सकता है। वो चीजों को खोजने में हर तरह की खोजबीन में अच्छा है। मैंने इसके बारे में काला बाजार में भी पता करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और परिषद का जो काम मुझे सौंपा गया है उसके चलते मेरे पास सीमित समय होता है। शिजा ने अपना सिर हिलाया। वो थोड़ा आराम महसूस कर रही थी। शार्दुल को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, पर वो कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शिजा खुश थी कि शार्दुल ने मंडी के सर्वे सर्वा अरमान शाहजी को शिजा के पिता का पता लगाने को कहा था, जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गए थे। अगले दिन की दोपहर के शुरुआती घंटों में बादल बहुत थे और सूरज की किरणों की बहुत हल्की सी गर्मी जमीन तक पहुंच रही थी। जंगल के नजदीकी पेड़ों पर एक दूसरे को दुलारते हुए कौवे बस गए। पिछले साल की तुलना में जंगल के आसपास के पक्षी किसी कारण से कम हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका कारण सर्दी थी जो जल्दी बढ़ने वाली थी, जिससे कई पक्षी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए। लेकिन सवाल यह था कि क्या वास्तव में यही कारण था या कुछ और वजह थी जिसे खोजा जाना अभी बाकी था। अवंतिका को आज बाहर जाना था क्योंकि उसे एक महफिल में आमंत्रित किया गया था। इसलिए शिजा अंदर शार्दुल के कमरे में अवंतिका के दिए हुए दोहरान कार्य का अभ्यास करने के लिए बैठ गई। हालांकि अभी अवंतिका की दी पुस्तक पर काम करने के बजाय शिजा ने अपनी लिखावट का अभ्यास किया ताकि वो कम टूटे फूटे और थोड़ी सुंदर दिखाई दे। कलम को स्याही में डुबोते हुए उसने कलम की नोक को साफ कागज पर लिखने के लिए उसे ऊपर खींच लिया। दूसरी बार जब उसने ऐसा किया तो स्याही की एक बड़ी बूंद उस कागज पर गिर गई, जिससे नीला गोल पानी एक बूंद की तरह फैल गया। कलम को नीचे रखते हुए शिजा ने कागज लिया, उसे झुकाया ताकि स्याही वापस बोतल में गिर सके, लेकिन जब तक कागज स्याही सोख चुका था। शिजा ने कागज को मोड़कर एक तरफ रख दिया क्योंकि वो अपनी मृत मां को एक पत्र लिखने की कोशिश कर रही थी।
ताकि वो उसे जाकर कब्रिस्तान में रख सके। अपनी माँ को लिखा जा रहा पत्र समाप्त करने के बाद शीजा ने आकाश की ओर देखा, जो पिछले दिन की तुलना में कम स्याह था, लेकिन बहुत बेहतर नहीं था। दिन इतनी तेजी से बीत रहे थे, उसका मन पढ़ाई में व्यस्त था और अवंतिका मालकिन उसका मार्गदर्शन कर रही थी। शीजा को रुककर सोचने का समय ही नहीं मिल पाया था कि आगे उसे क्या करना है। काम पर जाने से पहले शार्दुलू से कहकर गया था कि कमरे में ही रहना, दयाल तुम्हें खाना और पानी देने आएगा, तुमको अगर कुछ चाहिए हो तो उससे कह देना। पिछले कुछ दिनों से शीजा और शार्दुल के बीच के हालातों में सुधार हुआ था। अपनी वर्तमान दुर्दशा को जानते हुए कि वो एक सफेद चुड़ैल थी, शीजा ने यहां शाह हवेली में रहने का फैसला किया था। वो नहीं जानती थी कि क्या ये इसलिए भी था क्योंकि शार्दुल ने उससे अजीब चीजें करवाना बंद कर दिया था, या अब शार्दुल और उसकी अजब गजब मांगों वाला विचित्र रवैया शीजा को झेलना आ गया था। अपने हाथ में स्याही की बोतल उठाकर उसने पारदर्शी कांच की ओर देखा, जिससे उसके अंदर की नीली स्याही काली दिखाई दे रही थी। उस समय को याद करते हुए जब काली चुड़ैल की औषधि एक रंग से दूसरे रंग में बदल गई थी, उसने सोचा कि क्या इस स्याही की बोतल से ऐसा करना संभव है। बोतल को अपने करीब लाकर वो उसे देखने लगी। एक के बाद एक पल गुजरने लगे, फिर काफी समय हो गया और शीजा ने अंत में बोतल को नीचे रख दिया। वो सोच रही थी कि उस दिन ऐसा कैसे हो गया। उसके हाथ और औषधि के तरल के बीच एक कांच था, फिर भी उसके हाथ ने उस तरल को हानिकारक से हानि रहित तरल में कैसे बदल दिया। क्या वो कांच ऐसा करने के लिए विशेष बना था। इसे और अच्छे से देखने और समझने के लिए शीजा ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी खुली बाहों को देखा कि उसे वही बदलाव करने के लिए क्या चाहिए। अपनी कुर्सी से उठकर उसने खुले बारजे की ओर चलने से पहले अपना हाथ आगे उस तरफ जहां झील की तरफ से आती हवा के कारण पर्दे उड़ रहे थे, बाहर कदम रखते ही हवा ने उसका स्वागत किया। हवा की वजह से उसके बाल तेजी से उड़ रहे थे। अपने बालों को अपने कान के पीछे समेटते हुए शीजा ने अपने आगे उस विशाल झील की ओर देखा और सोचने लगी कि इस गहरे पानी के दूसरी तरफ क्या है। क्या वहां जीवन मौजूद था या सिर्फ पानी के साथ जारी था। शीजा ने फिर नीचे देखा, उसके हाथ रेलिंग के किनारे को पकड़े हुए थे। हवेली की दीवारों के नीचे के हिस्से को झील का पानी लगातार छू रहा था। वो थोड़ा और नीचे देखने के लिए आगे झुकी और उसने एक के बाद एक दो खिड़कियों को देखा। अब तक उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा यही सोचती रही थी कि हवेली का एक भूतल था और फिर वो मंजिल जहां शार्दुल का कमरा था। शीजा गुलाम खाने में फंसने के दुर्भाग्य से बच गई थी। वो उस व्यक्ति द्वारा देखे जाने से भी बच गई थी जो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं होती। जब वो हवेली और पानी को देखते हुए आगे की ओर झुकी हुई थी तो उसे किसी के बुलाने या उससे बात करने की आवाज नहीं सुनाई थी। आगे झुककर नीचे देखने के चक्कर में उसकी पकड़ रेलिंग पर ढीली हो गई थी और वो पंजों के बल खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया था। शीजा को घबराहट में समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने महसूस किया कि वो फिसल गई थी और अपने पैर फर्श पर जमाए रखने से चूक गई थी। तेज हवा के झोंकों के साथ वो ठंडे पानी में गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरती हुई बल के कारण वो पानी में गिर गई। उसका शरीर पानी की सतह के नीचे डूब गया। उसके शरीर के चारों ओर बुलबुले बन गए। जब उसने खुद को पानी के ऊपर रखने की कोशिश की तो उसके हाथ फड़फड़ाने लगे। शीजा ने अपने मुंह में बड़ी मात्रा में हवा भरने की कोशिश की, लेकिन हवा के साथ पानी उसके मुंह में प्रवेश कर गया और उसे खांसी आने लगी। वो सतह पर रहने के लिए हाथ पैर मार रही थी, पर वो गहरे पानी से घिरी हुई थी। उधर शार्दुल अपने घर से दूर था। उसे पिछली रात के जले हुए शवों के शीघ्र निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। शार्दुल का सहायक कर्मा उसके साथ था और घटना में शामिल मनुष्यों के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी शार्दुल और कर्मा ने एक महिला के जले हुए शरीर को देखा। महिला का हाथ उसकी कलाई और उंगलियों के साथ मुड़ गया था, कुछ छोटे से कपड़ों को छोड़कर जिन्हें इंसान जला नहीं सकते थे। उसका पूरा शरीर काला हो गया था।
मनुष्यों में चुड़ैलों को पकड़ने के बाद उन्हें गांव के बीचों बीच बांधकर जलाने की आदत प्रचलित थी। ये एक आम बात थी जो कई सालों से चली आ रही थी। मुद्दा ये था कि चुड़ैलों से जुड़े फरमान के अनुसार सफेद चुड़ैलों के बारे में नियम ये था कि चुड़ैलों को मनुष्यों द्वारा नहीं मारा जा सकता था। अगर किसी इंसान को सफेद चुड़ैल या काली चुड़ैल मिलती है तो उन्हें अधिकारियों को गांव या कस्बों के पहरेदारों, ग्राम प्रधान इत्यादि को सूचित करना होता था, जो इसे प्रभारी के माध्यम से परिषद के पार्षदों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त थे। इसका कारण किसी भी अवांछित दुर्घटना से बचना था। ऐतिहासिक रूप से तथ्यों को उठाते हुए लोग अक्सर किसी को भी चुड़ैल कह देते थे या समझ लेते थे। चुड़ैलों के नाम पर कई महिलाओं की बलि दी गई थी, लेकिन सफेद चुड़ैलों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया गया था। हालांकि ये नियम सालों पहले लागू किया गया था, लेकिन शार्दुल की ताई अमोलिका शाह के गुजर जाने के बाद ही इसे और मजबूत किया गया। लेकिन मनुष्य आवेगी प्राणी थे। उन्होंने निष्क्रिय रूप से परिषद के खिलाफ जाते हुए मामले को अपने हाथ में ले लिया। यदि जलाए गए शव काले चुड़ैलों के थे तो इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यदि ये शव मनुष्यों और सफेद चुड़ैलों के थे तब ये बहुत बड़ी समस्या थी।